हेलो एंड वेलकम। ये वाटर सप्लाई सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं द सोर्सेज ऑफ वाटर और उनको रेजिडेंशियल यूनिट तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेथड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो फ्रेश वाटर यूज़ करने के बाद वेस्ट वाटर कन्वर्ट होता है तो उस वेस्ट वाटर को डिस्पोज करने के लिए सीवेज सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। तो वेस्ट वाटर सिस्टम को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कितने टाइप की वेस्ट वाटर होता है। जनरली दो टाइप के वेस्ट वाटर होते हैं, ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर। ये दोनों क्या है? ग्रे वाटर इज द लेस टॉक्सिक वाटर और ब्लैक वाटर इज मोर टॉक्सिक वाटर। यानी कि ग्रे वाटर में जो कंटामिनेशन लेवल होता है इम्प्योरिटीज़ का बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर में जो कंटामिनेशन का और इम्प्योरिटीज़ का लेवल होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसीलिए ग्रे वाटर को हम कहीं ना कहीं रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक वाटर को हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। ग्रे वाटर को हम डायरेक्टली किसी भी वाटर बॉडी या रिवर, पॉन्ड या फिर ओशन में हम डिस्पोज कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक वाटर को हम डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसको डिस्पोज करने से पहले हमें ट्रीट करना पड़ता है। ग्रे वाटर हम कहीं से भी, जैसे कि जो वेस्ट होता है बाथरूम का या फिर किचन का जो वेस्ट वाटर होता है वो ग्रे वाटर होता है। लेकिन जो ब्लैक वाटर होता है जनरली जो फैक्ट्रीज़ के जो वेस्ट होते हैं या फिर हमारे घर में जो टॉयलेट्स हैं तो टॉयलेट के अंदर वेस्ट में सॉलिड वेस्ट होते हैं टॉयलेट्स में, तो वो वेस्ट ब्लैक वाटर वेस्ट है। तो ये दो टाइप के वेस्ट वाटर होते हैं, ये हम समझ चुके हैं। आगे हम बात करते हैं वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए तीन टाइप के सीवेज सिस्टम होते हैं हमारे पास। पहला कंबाइंड सिस्टम, सेपरेट सिस्टम एंड पार्शियली सेपरेट सिस्टम। क्या हैं ये तीनों, हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है कंबाइंड सीवेज सिस्टम या कंबाइंड सिस्टम। ये कंबाइंड सिस्टम क्या है? अगर जैसे कि जो रेन वाटर होता है और जो सैनिटरी सीवेज होता है, जैसे हमारे घर में ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर जो सैनिटरी सीवेज होता है, उन दोनों को कंबाइन एक ही पाइप में ये डिस्पोज करता है। तो ये दोनों का कंबाइन करने पर कॉम्बिनेशन सिस्टम होता है। इसमें स्ट्रॉम वाटर, जो रेन वाटर और जो सीवेज सैनिटरी सीवेज है, दोनों एक ही पाइप में कैरी होते हैं, तो ये कंबाइन सिस्टम हुआ। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्यों कम होती है? क्योंकि हमें दोनों के लिए एक सेपरेट पाइपलाइन नहीं बिछानी पड़ेगी। एक ही पाइपलाइन से स्ट्रॉम वाटर भी डिस्पोज हो जाता है और सैनिटरी वेस्टेज वाटर भी डिस्पोज हो जाता है, तो इसीलिए इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। सेकेंडली, जो सीवेज वाटर होता है यानी कि जो सैनिटरी सीवेज वाटर होता है, उसमें जो स्ट्रॉन्ग वाटर अगर मिल जाता है तो वो डाइल्यूट हो जाता है, और डाइल्यूट होने के बाद जो ट्रैवल करता है ग्रेविटी फ्लो से, जो सीवेज में सीवेज पाइप में जो वेस्ट वाटर फ्लो करता है बहुत ज़्यादा स्मूथली फ्लो होता है और ब्लॉकेज के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। जिन टाउन्स में जहाँ पर सड़कें बहुत पतली होती हैं वहाँ पर हम ये सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं और सिंगल पाइपलाइन को बिछाकर ही स्ट्रॉम वाटर और सैनिटरी वेस्टेज वाटर को मूव कर सकते हैं। तो जहाँ पर पतली गलियाँ होती हैं, जहाँ पे स्पेस कंजेस्टेड है, तो वहाँ के लिए बहुत बेस्ट मेथड है ये। नेक्स्ट, इसके बाद कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसका डिसएडवांटेज ये है सबसे पहले कि ओवरऑल प्रोजेक्ट बहुत सस्ता है, मतलब इसमें ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो बहुत कम है क्योंकि सिंगल पाइपलाइन बिछानी पड़ती है। लेकिन जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है, स्टार्टिंग में तो आपको बहुत बड़े डायमीटर की पाइप इसमें बिछाने पड़ते हैं अंडरग्राउंड, तो जो उनकी इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद क्योंकि पाइप ज़्यादा डायमीटर के हैं तो उसके जो सीवेज टैंक बनेंगे तो वो भी लार्जर साइज़ की हो जाएंगे, और क्योंकि उनका साइज़ जब बढ़ जाएगा तो उनको हैंडलिंग करने में दिक्कत होती है। प्लस कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इतने बड़े बड़े जो सीवरेज जो टैंक होते हैं उनको कंस्ट्रक्शन साइट तक ट्रैवल यानी कि ट्रांसपोर्ट करने में भी दिक्कत होती है। लेकिन इसके साथ ही एक और जो मेन समस्या या फिर मेन प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो ये होती है, क्योंकि जो स्ट्रॉम वाटर है और जो सैनिटरी वाटर है दोनों को आपने एक ही पाइप में मिक्स कर दिया है, तो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है या फिर उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो लोड है, वर्किंग लोड इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि अननेसेसरी
जो स्ट्रॉम वाटर है वो भी उसी के अंदर ऐड हो चुका है, तो अल्टीमेटली उस पर लोड पड़ता है, क्योंकि स्ट्रॉम वाटर और सैनिटरी वाटर एक साथ मिक्स हो चुके हैं, तो इन केस ऑफ हैवी रेनफॉल तो ओवरफ्लो के चांसेस हो जाते हैं। जब ओवरफ्लो, ऐसा वाटर ओवरफ्लो होता है जो सीवेज वाटर है और वो ओवरफ्लो होकर रोड पर आता है, तो अनहाइजेनिक कंडीशन भी क्रिएट करता है, ये भी प्रॉब्लम देखी गई है। तो अल्टीमेटली इसके साथ कुछ ये डिसएडवांटेजेस थे। यहाँ नेक्स्ट हम समझते हैं इस इमेज में ये कंबाइंड सिस्टम कैसे वर्क करता है। जैसे बिल्डिंग या हाउसेज में जो ये वाला ब्राउन कलर सैनिटरी वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू स्ट्रॉम वाटर को, तो दोनों ही एक ही पाइप में दोनों टाइप की वेस्ट को डिस्पोज कर दिया, और उसके बाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसको ट्रीट करने के बाद किसी भी एक वाटर बॉडी में डिस्पोज कर दिया। लेकिन जब इन केस ऑफ हैवी रेनफॉल, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो इसको डायरेक्टली ओवरफ्लो भी हम रिवर या फिर किसी वाटर बॉडी में हमें इसको डिस्पोज करना पड़ता है। सेकेंड है हमारा सेपरेट सिस्टम। सेपरेट सिस्टम जस्ट उसका अपोजिट है, इसका नाम से पता चल रहा है कि इसके लिए सेपरेट पाइपलाइंस हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती हैं स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए और सैनिटरी वेस्टेज के लिए। तो बेसिकली यही सेपरेट सिस्टम होता है, एक पाइपलाइन में सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाटर कैरी होता है और वो डायरेक्टली वाटर बॉडी होती है वहाँ पर डायरेक्टली डिस्पोज हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया जो स्ट्रॉन्ग वाटर है वो ग्रे वाटर होता है, ग्रे वाटर को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है डिस्पोज करने के लिए। वहीं तो इसमें जो क्या है, और जो दूसरा पाइप है जिसमें सैनिटरी वेस्ट ट्रैवल करता है, वो सैनिटरी वेस्ट को लेकर ट्रीटमेंट प्लांट तक कैरी करेगा, तो ये दो अलग अलग सेपरेट पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती हैं। तो इनके कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज ये है, अगर दो अलग अलग पाइपलाइन हमने कंस्ट्रक्ट करी है दो अलग अलग फंक्शन के लिए, तो जो उनका डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उस पर लोड कम हो जाएगा। अब सेकंड बात यही है, अब जब इनके डायमीटर रिड्यूस हो जाएंगे तो इसमें चीप हो जाएगा, ये मतलब कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी इनिशियली, लेकिन बाद में ओवरऑल ये कंस्ट्रक्शन इसका थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट पाइपलाइंस को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके बाद जब ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, तो इसमें अल्टीमेटली इसमें लोड कम पड़ता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग वाटर जो पहले केस में कंबाइंड केस में जो कंबाइंड सिस्टम वाले केस में स्ट्रॉन्ग वाटर भी मिक्स होकर आ रहा था यहाँ पर, तो जो लोड है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो लोड है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वो डिक्रीज हो जाता है। साथ ही के साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि जब इसके डायमीटर छोटे हो जाएंगे पाइप के, तो जो चैम्बर्स हैं जो सीवेज चैम्बर हैं उसका साइज़ भी छोटा हो जाएगा। अब छोटे साइज़ के सीवेज में भी जो साफ़ सफाई है या फिर क्लीनिनेस के जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो ढंग से परफॉर्म नहीं हो पाती हैं स्मॉल चैम्बर साइज़ में, और क्योंकि इनका साइज़ छोटा है तो चौक भी हो सकते हैं, और चौक इस सेकेंड रीज़न इसका चौक होने का ये भी है क्योंकि ये कंसनट्रेटेड सारे जो वेस्ट वाटर है वो कंसनट्रेटेड है। पिछले केस में क्या हो रहा था, डाइल्यूट हो जा रहा था तो चौक नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे डायमीटर भी छोटे हैं और कंसनट्रेटेड भी हैं ये, तो चौक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई है, क्योंकि यहाँ पे दो सेपरेट पाइप हम डाल रहे हैं सेट के पाइप, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई है, ओवरऑल कॉस्ट इसकी पूरी हाई हो जाती है। तो क्योंकि मैंने बताया था इसमें कंसनट्रेटेड अमाउंट रहता है, तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी मिल नहीं पाती। सेल्फ क्लीनिंग यानी कि अपने ही फ्लो से पूरे पाइपलाइन को क्लीन करते हुए वेस्ट वाटर नहीं यहाँ पे फ्लो करता है, तो इसीलिए अल्टीमेटली चौक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं सेपरेट सिस्टम में। ये सेपरेट सिस्टम की इमेज है, जैसे कि ये रूफ वाटर, जैसे रूफ ड्रेन को इस ब्लू वाले पाइप में कनेक्ट किया गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाटर वाला पाइप है, और वही हाउस होल्ड जो वेस्ट वाटर जितने भी सैनिटरी वेस्ट वाटर है उसको इस येलो वाले वाटर से येलो वाले पाइप से कनेक्ट किया गया है, प्लस ये जो रोड पर भी स्ट्रॉन्ग जो ड्रेन है उसको भी इसी ब्लू वाले पाइप से कनेक्ट किया गया है। तो अल्टीमेटली दोनों ही पाइपलाइन को सेपरेट कर दिया गया है, और जनरली इन केस ऑफ हैवी रेनफॉल ओवरफ्लो लेक में ओवरफ्लो करना पड़ता है, क्योंकि हैवी रेनफॉल पे जो वाटर ट्रीटमेंट पे लोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और वो ट्रीटमेंट हो नहीं पाता है, तो उस केस में डायरेक्टली डिस्पोज करना एक मजबूरी बन जाती है।
थर्ड है पार्शियली सेपरेट सिस्टम। पार्शियली सेपरेट सिस्टम पिछले दो कंबाइंड सिस्टम और सेपरेट सिस्टम को मिक्स करने पर जो एक नया तीसरा सिस्टम बनाया गया वो है पार्शियली सेपरेट सिस्टम। पार्शियली सेपरेट सिस्टम में क्या है कि जो एक सेट है पाइपलाइन का उसी को ही अंडरग्राउंड करते हैं और दूसरा सेट है वो उसको अंडरग्राउंड नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में अगर रेनफॉल हो रही है और रेनफॉल बहुत कम अमाउंट में रेनफॉल हो रही है तो वो कंबाइंड सिस्टम के तरह एक्ट करेगा वो पूरा सिस्टम। अगर रेनफॉल बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो जो एक्स्ट्रा रेनफॉल है, जो स्ट्रॉन्ग वाटर है, उसको सेपरेट एक पाइपलाइन में शिफ्ट कर दिया जाता है तो वो एज अ सेपरेट सिस्टम के तरह एक्ट करता है। तो इसमें दोनों ही क्वालिटीज़ होती हैं पार्शियली सेपरेट सिस्टम में। तो क्योंकि इसको दो सिस्टम के साथ मिक्स करके बनाया गया है तो उसके एडवांटेज भी दोनों के साथ मिक्स करके है। यानी कि जो सीवर सिस्टम है ना तो ज़्यादा चीप है ना तो ज़्यादा कॉस्टली है, तो ये एक रीज़नेबल प्राइस पर आता है पूरा मेथड। और इसके साइजेस भी रीज़नेबल है, यानी कि जो पाइपलाइन है ना वो ज़्यादा कम डायमीटर की हम पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं ना ज़्यादा डायमीटर की पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो एक मीडियम साइज़ ऑफ पाइपलाइन हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। सेकेंडली, क्योंकि ये दोनों ही सिस्टम को कंबाइन करके बनाया गया है तो इसमें एडवांटेज भी दोनों को ही मिलते हैं। प्लस हाउस होल्ड में जो प्लम्बिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस कैसे हो जाती है? पहले केस में क्या होता था, जो रूफ वाटर यानी कि जो रूफ स्ट्रॉन्ग वाटर है उसको डिस्पोज करने के लिए अलग पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करवानी पड़ती है और जो सैनिटरी वेस्ट है उसको कंस्ट्रक्ट करवाने उसको डिस्पोज करने के लिए एक अलग पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करवानी पड़ती है। तो इन दोनों पाइपलाइन को सेपरेटली कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए एक एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज होता है। लेकिन अब क्या होता है, इसमें पार्शियली सेपरेट में दोनों को ही एक पाइपलाइन में मर्ज कर दिया जाता है तो अल्टीमेटली जो प्लम्बिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई। तो ये एक चीपर मेथड पड़ता है हाउस होल्ड के लिए। साथ ही के साथ इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जो इनिशियली तो आपने इसको मिक्स कर दिया ना, जब यानी कि जब रेन जो कम अमाउंट में रेन हो रही है तो जो रेन वाटर है वो इसके साथ मिक्स हो जाता है जो सैनिटरी वेस्टेज वाटर होती है। लेकिन अगर इन केस ऑफ हैवी रेनफॉल तो जो ओवरफ्लो के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसा कि हमने पहले वाले मेथड में भी डिस्कस किया था। और जब रेन वाटर उसके साथ मिक्स हो जाता है सैनिटरी वेस्ट के साथ तो जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उन पर जो एक लोड भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस भी पिछले दो मेथड के जो डिसएडवांटेज हैं उनको भी कंबाइन करके एडवांटेज डिसएडवांटेज बनते हैं और एडवांटेज बनते हैं। तो ये पार्शियली सेपरेट सिस्टम है, जैसे कि जो रूफ वाटर है उसके लिए भी पाइप है और जो सैनिटरी वेस्ट वाटर है उसके लिए भी पाइप है। आगे जाके दोनों ये मिक्स हो जाते हैं और ओवरफ्लो के केस में ये साइड में किसी भी रिवर बॉडी में जाके मिक्स हो जाते हैं और बाकी के इन केस ऑफ लेस वाटर लेस रेनफॉल ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाके इनको ट्रीट करके फिर डिस्पोज करते हैं। तो ये था तीन मेथड सीवेज सिस्टम के। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं बिल्कुल वहाँ पर उसका रिप्लाई करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।